ओम नमः भगवते श्रीपुरुषोत्तमाय बागार्थं विव संप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। हे दिव्यात्मन, दिव्यवाणी विश्वास रे पवित्र अगणा को पुणी थरे आपण मानको स्वागत जणेला बळे। आज विश्वास रे जो विश्वास वार्ता बुणी देबा पई दिव्यवाणी रे आमे प्रयास करिछु, से वार्ता होची पाक सिद्धि। आमे समस्ते खाद्य ग्रहण करंती जीव जगत रे बंचिबा पई, प्रत्येकटी जीव हुए त खाद्य ग्रहण करे, आउ से खाद्य ग्रहण करिबा को गला बळे खाद्य को सिद्ध करा जाय। हुए त पशु पक्षी के क्षेत्र रे सेमाने खाद्य को सिद्ध बा पाक नकला बेले आमे हुए तो खाद्य को पाक सिद्धि कर ग्रहण करूँ। कहीं मनीष पाखे दिव्य ज्ञान थिला बेले मनीष से दिव्य ज्ञान वशवर्ती है, तार खाद्य ठारु आरंभ करी सकल कार्य को सिद्ध भाव बा सिद्धि प्रणोदित करी ग्रहण करवा उचित। तेणु खाद्य को आमे सिद्धि कर ग्रहण करूँ। जो खाद्य को सिद्धि करार प्रक्रिया को हुए तो कह जाए पाक सिद्धि। पाक सिद्धि यही करा जाए जदि आम परमात्मा ईश्वर भगवान खाद्य तैयारी करूँ, से खाद्य तैयारी माध्यम हूँ भक्ति। जदि घर लोकों पर कि लोकों पर खाद्य प्रस्तुत करा जाए ताकू कह जाए व्यवहार। आकुटिया जदि निजपाई आम निजे खाद्य प्रस्तुत करूँ से खाद्य कौन सी प्रकार पुण्यता रहे, से पापयुक्त हो जाए। ये हूँ शास्त्र विधि और शास्त्र नियम। जोठी आम खाद्य प्रस्तुत करूँ से जगह को कह जाए रोषशाला बा रोष घर। से रोष घर टी आपण मान गृहर घर वास्तुशास्त्र अनुसार अग्निकोण से अग्निकोण पूर्व दक्षिण बा दक्षिण पूर्व कोण ताको कह जाए अग्निकोण। यही जगार रोषशाला करा जाए कहीं आपण जदि आज परीक्षा करके देखिबे हुए तो किछि लोक चित्कार करुछंती आम पुराण शास्त्र विज्ञान सम्मत नुहे बोली। आम पुराण शास्त्र संपूर्ण रूपे विज्ञान सम्मत। एक आपण देखिपारे जदि आपण घर जगार अग्निकोण को जाई आपण आज उत्ताप मापिबे देखिबे सबु जगार उत्ताप किछि कम थिला बेले ए जगार उत्ताप टिके अधिका थिबो। तेणु से जगार रोषशाला करा जाए बा रोसे घर करा जाए। अग्निकोण को आम रोषशाला बा रोसे घर पर वास्तुशास्त्र अनुसार चिन्हट करूँ। रोषशाला रे किपर रोसे करिवे काहेकि रोसे पाई नियम रोसे रे कौन नियम न रहिले कौन क्षति हुए बा रोसे आम जदि शुद्ध मानसिकतार न करूँ आमर कौन क्षति हुए आ शुद्ध मानसिकतार कले कौन लाभ मिले। आज प्रसंग हूँ से श्रीमद भगवत गीता जहाँ भगवान मुख निःसृत वाणी। से मुख निःसृत वाणी रे भगवान निजे कहते अन्न भवंती भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञा भवंती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। जार अर्थ हूँ या समस्त प्राणी अन्न रु उत्पत्ति हमें अन्न वर्षा जल रु उत्पत्ति हुए वर्षा यज्ञ रु उत्पत्ति हमें यज्ञ कर्म करिबा सदा सर्वदा विधेय। ये रोषशाला आम जो पाक प्रस्तुत करती जो खाद्य प्रस्तुत करती आमर सनातन धर्मीय रोषशाला हूँ गोटे यज्ञशाला। आई यज्ञशाला भितर जिते बड़े आम खाद्य प्रस्तुत करू थाई से परिवार पाई हो बा किसी अतिथि मानक हो भगवान उद्देश्य हो आगर आम नियम एमती थी आम घरे जहाँ रोसे करूलु ता भगवान को समर्पित करापर पर भक्षण करुले। हुए तो आज सहरी परंपरा भितर आम कि भूली जाइचु किंतु से भूलिबार कथा नुहे। रोषशाला भितर जो माँ मैंने आपण मैंने रोसे करुछंती हे विदग्ध विबुद्ध श्रोतृमंडली मन रखतु रोसे करुथिबा अन्न बा आपण मान द्वारा पाचित होउथिबा अन्न आपण मानकर मनर भावना को लेकर तैयारी होता है। मनर भावना सूक्ष्म रूप से अन्न भितर प्रवेश कर जाती केमिति करती गोटे कहानी दिनकर कथा। जड़े स्थितप्रज्ञ बाबाजी गैरिक वसनावृत प्राणर पूजारी सन्यासी कौ कालरु ब्रह्मचर्य ग्रहण करिचंती ब्रह्मचारी बानप्रस्थ जीवन बितांती अनेक शिष्य मानक पाठ पढ़ा
शिक्षादान करते कहीं गुरुकुल परंपर गुरुकुल आश्रम शिक्षा लाभ करवा भारतीय संस्कृति और परंपरार एक विधि था तेणु से विधि मुताबक से मैंने गुरुकुल शिक्षादान करते दिनकर कथा जड़े गृही जड़े गृहस्थ लोक विराट धनी बणिक श्रेणी लोक धनर अभाव ना धनाढ़ व्यक्ति निमंत्रण कले हे गुरुदेव आपण आज आम घरे अतिथि साजिबे ये संस्कृति कही आचार्य देव भव अतिथि देव भव तेणु से ही अनुसार देवतातुल्य कर अतिथि को पाछटी नापी मन बलई धनाढ़ व्यक्ति निमंत्रण दे गुरुदेव आपण आम घर को आसबे खाद्य ग्रहण करेंगे आदिन रोसैया को अनुमति दे धनाढ़ व्यक्ति घरे चाकर बाकर समस्ते अच्छा मन रखि था विद्वंस मंडली जेतेबेले आपण देवतार अर्चन पाई देवतार पूजा पाई कहीं जो अतिथि हूँ देवता तेणु देवतार पूजा पाई जेतेबेले कौन से जिनस तैयारी करने को जिबे बा कौन से जिनस देवता समर्पण करिबे से कार्पण्यता रखिबे नि बा सेवक नियोजन करिबे नि जदि सेवक नियोजन करिकरि कार्य करुचंती तबे हुए तो पुण्य सेवक पाख को जिबो नचत सेवकर मनोभाव को लेकर आपणकर पुण्यता विवेचित हबो एक कहीं कहली ना से दिन जो धनाढ़ व्यक्ति डाक आनी घरे तो चाकर बाकर अनेक रोषशाला रोसे करने जे रोसैया निजुक्त रोसैया को आदेश दिगला आज अतिथि आसबे अतिथि आम गृहर देवता एमितिका खाद्य प्रस्तुत कर लेह्य पेय चोब्य चोष्य सबु प्रकार खाद्य थिबो सबु प्रकार स्वाद थिबो कसा थिबो तिक्तता थिबो पिता थिबो मीठा थिबो ये सबु थाई खाद्य प्रस्तुत हबो जाहा कामे कहो सात तीण न भजा ओडिया भाषा रे तेणु से ही भाव रे हुए तो खाद्य प्रस्तुत करने रोसैया जेतेबेला आदेश पाइला चाकरी करिछि आदेश तो पालन कर निश्चित मुनिवर मालिकर आदेश पालन कला आ रोषशाला रोसे कला सठिक समय उपस्थित है गुरुदेव सन्यासी बाबाजी जनक आसिक पहुँचिले कौटी ना गृहस्थर गृह पहुँचीगले जिते बड़े घर दुआर मुहर पहुँची पतिपत्नी दुईज जाक भारी पुण्यवान भारी भक्तिपरायण साधुसंत पाखे अचला भक्ति गुरु ब्राह्मण समस्त को भक्ति प्रदान करती आतिथ्यता प्रदान करती जाकर आग पाद धोईदे पाद धोईदे सारापर पाद प्रक्षाड़न कर सारे धोईदे सारे कपड़े पाद को पोछले गुरु को आणिकर आसन घरे बसइले बाबाजी महाशय घरे बसिले गृहस्थ सब प्रकार सत्कार करने प्रस्तुत बाबाजी को जहाँ प्रथम किसी जलपान व्यवस्था कले जलपान खाई सारे कथबार्ता टिके हेले ज्ञान आलोचना हला सब प्रकार आलोचना भितर जितेबाला उपस्थित हला खाद्यर समय रोसैया प्रस्तुत करथिबा समस्त प्रकार खाद्य चोब्य चोष्य लेह्य पेय सब प्रकार खाद्य परस दिगला आनंद मनरे दुईज जाक गृहस्थाश्रम पालन करुवा पतिपत्नी स्वामी स्त्री दुईज जाक व्यजन करने को लगिले बिछणा पवन देवाक लगिले काले टिके कष्ट खाइला बेले गरम हम कि अतिथि को सब प्रकार सत्कार कर खाद्य देले खाद्य दे सारे उपयुक्त दक्षिणा दे दान दक्षिणा सहित हुए तो अतिथि से दिन घर फेरीगले गृहस्थ मनरे भारी आनंद जहा हूँ आज जे भल अतिथि पाई जड़े ज्ञानी स्थितप्रज्ञ सन्यासी की पाई आज आतिथ्यता देचु आनंद कहार न हो समस्त आनंद हबार कथा आई आनंद भितर अतिथि फेरीगले सिना राति जितेबाला जा शयन कक्षर शयन करती से दिन बाबाजी बिचारा आई पारे आपड़ पचारे कहीं बारंबार स्वप्न देखिले जो स्वप्न देखिले से स्वप्न बाबाजी देखा कथा नुह स्थितप्रज्ञ सन्यासी ब्रह्मचर्य पालन कर संसार ठार बहु दूर संसार तंपाई के प्रलोभन हो रही कामिनी कांचनर माया तांकु केबे ग्रास करिनी कामिनी कहिले स्त्री कांचन कहिले सुना ए दीटा जिनस प्रति आम भारी लोभ थाए सुंदरी पत्नीटे पाइबा समस्त आशा थाए आ समस्त आशा थाए से सुवर्ण बा सुना पुलाय लाभ करने तेणु से ही चिंता चेतना भितर ये चिंता चेतना केबे से बाबाजी मन को आग्रह प्रकाश करनी मनरे चिंता आसनी
କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କାମୋଦ୍ଦୀପକ ସ୍ୱପ୍ନ, ପ୍ରିୟାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ, ସଂସାର ଭିତରେ ନିମଜ୍ଜିତ ରହିବା, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସକାଳ ପାଇଲା, ବାବାଜୀ ରାତିରେ ଭଲରେ ଶୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ଏମିତିକା ସ୍ୱପ୍ନ କାହିଁ ଦେଖିଲି? ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, କାଲି କେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବାବାଜୀ କହିଲେ, ଅମୁକ ଗୃହସ୍ଥ ଘରେ, ନା ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ତ ଜଡ଼। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଦେଲେ, ଗୃହସ୍ଥର ରୋଷେଇଆକୁ ଡାକିଲେ, ରୋଷେଇଆ ଥରି ଥରି ବିଚାର ଆସିଲା, ପଚାରିଲାରେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିଥିଲ, ରୋଷେଇ ବେଳେ ଭାବନା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରୋଷେଇଆର ବାହାଘର ହେବାର ଅଛି। ରୋଷେଇଆଟି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପତ୍ନୀଟି କେମିତି ହେଇଥିବ, ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ, ବାହାଘର ହେବ, ଶଯ୍ୟାସଙ୍ଗିନୀ ସାଜିବ, ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ରୋଷେଇ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସେ ଅନ୍ନ ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ହେତୁ ବାବାଜୀ ବିଚାର ରାତିଯାକ ଛଟପଟ ହେଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ପାକ ସିଦ୍ଧି କଲାବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବା ଉଚିତ। ରାଧେ ରାଧେ ହଉ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହଉ, ରାମ ରାମ ହଉ, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ହଉ, ଏଇ ନାମକୁ ନେଇ ଯଦି ପାକ ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମନ, ଆଜିର ଦିବ୍ୟବାଣୀ ହୁଏତ ସମୟରେ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ବା ରୋଷଶାଳାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବିତ ପବିତ୍ର କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦିବ୍ୟବାଣୀର ସଙ୍କେତର ଧାରା।